Good morning. Starting with the currency con call. आज 13th of April. पिछले एक हफ्ते में हमने देखा करेंसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया, जिस दिन से कोरोना वायरस की जो इम्पैक्ट है इसके चलते हमने देखा ग्लोबल मार्केट में अभी भी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। शुक्रवार के सेशन की अगर बात करें तो शुक्रवार के सेशन में हमने देखा रुपये में एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, 76.62 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं यूरो में भी हमने गिरावट आते हुए देखा, जबकि पाउंड में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी, फ्रेश बाइंग के चलते 94.75 का लेवल रिटेन करता हुआ दिखाई दिया। वहीं JPY में भी एक सुस्त कारोबार था, 70.16 के करीब मार्केट मूव होता हुआ दिखाई दिया। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज के सेशन में भी हम देखते हैं कि कल वापस हॉलीडे मूड है, तो आज एक फ्लैटिश नोट पे ही मार्केट मूव करेगा। रुपी की बात करें तो ओवरसीज इनफ्लो जो बना है वो अभी भी एक अनसर्टनिटी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी होप लगा हुआ है कि कोरोना वायरस के जो एपी सेंटर है US, यहाँ से और कुछ नए अपडेट्स आएंगे, बट ओवरऑल हमें लगता है कि आज करेंसी एक सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे। वॉल्यूम्स काफ़ी कम हुए पिछले कुछ दिनों में, वॉलेटिलिटी अभी भी मेंटेन है। आज की अगर ओपनिंग की बात करें तो USD/INR 76.30 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यूरो में आज बाउंस होता हुआ दिखा सकता है जो 83.40 के करीब होगा। पाउंड में अगेन हमें एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी जो 95.10 का लेवल दिखा सकता है, और येन में 70.60 तक के लेवल हम फिर से ट्रेंड होते हुए देखेंगे। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी फॉर USD/INR। इमीडिएट रेंज जो रहेगा वो 76.20 से लेकर 76.80 का रेंज रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।